अच्छा फील होता है हमारे दिल में कि हम उन लोगों को बांटते हैं। क्या अनुभव रहा आपका आज का? आज का अनुभव तो अच्छा है। मैं डे वन से इनके साथ हूँ डेली पर। वो जो नाश्ता हम लोग हर संडे चालू किया वो डे वन से हम लोग साथ में है, और करीबन हर संडे 200 आदमी को हम लोग खाना खिलाते हैं। दिलीप भाई के लिए क्या बोलना चाहिए, जिन्होंने एक मुहिम चालू की है एक रुपए में एडमिशन और बच्चे को सिखाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये बच्चे लोग को इतना जितना मैक्सिमम लाभ ले सके उतना ले के वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ऐसा मेरा विशेष है। अच्छा दिलीप भाई, मेरा एक सवाल आपसे भी है, ये जो बच्चे का हम एडमिशन लेंगे 1 रुपीज़ में, उनका ईयर क्या रहेगा, मतलब कितने साल के बीच में लड़के लोग को एडमिशन मिलेगा? इनिशियली हमने 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों को एडमिशन का सोचा हुआ है। उसके ऊपर जो बच्चे रहेंगे 13 के ऊपर, 13 से लेके 30 तक, उसके लिए हम लोग अलग अलग टीचरों की टीम बना रहे हैं, क्योंकि उनमें से हारमोन्स जो चेंज होते हैं, जो वो हारमोन्स में सेक्स हारमोन्स ज़्यादा करके बढ़ जाते हैं, वो उसको कंट्रोल करना उस टाइम पे भारी होता है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है। अप्रैल में हमारा वो भी स्कूल चालू हो जाएगा, कैसे बच्चों को ही हम लोग संभाल पाएंगे। चलो ओके, थैंक यू।